परिवर्तन विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के सवा साल के शासन काल में विकास ठप हो गया था, जन कल्याण बाधित हो गया था। केवल विकास नहीं रोका गया, जनता के कल्याण की एक एक योजना बंद कर दी गई। चाहे संबल हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हो, लाड़ी लक्ष्मी हो, किसानों के खाते में पैसा डालना हो, जनता ठगी गई। और जब यहाँ विकास बाधित हुआ तो राहुल ने फैसला किया कि हम ऐसी विधायकी का क्या करेंगे जिसमें दमोह का विकास ही नहीं हो सकता। दमोह के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी कांग्रेस और कमलनाथ। और जब चर्चा हुई तो राहुल ने एक ही इच्छा प्रकट की कि मैं तो सब छोड़ दूंगा, मुझे दमोह का विकास चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित है। राहुल छोड़ के आए बिना किसी शर्त के, कैरियर दांव पे लगाया दमोह के विकास के लिए। हमने तो जब पहले भी सरकार थी तो जयंत मलैया जी के नेतृत्व में दमोह का विकास हुआ। जैन जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब फिर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, हमने फिर दमोह के विकास की यात्रा फिर प्रारंभ कर दी। विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से, शानदार वोटों से। लेकिन सर, टिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा बहुत हावी हो रहा है यहाँ पे। आपके आपके प्रत्याशी को बार बार टिकाऊ कहा जा रहा है। ये पहले भी वो चिल्ला चुके और कुछ नहीं मिलता तो टिकाऊ, और ऐसे आरोप के जिससे तो खुद कांग्रेस गिरी रही। बिकाऊ थी कांग्रेस की सरकार, बेच दिया था स्थानांतरण से लेकर सब चीजों में, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता था। जिन लोगों ने दलाली का अड्डा बना दिया मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को, सेक्रेटरिएट को, उनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। पहले भी उपचुनाव में जनता सबक सिखा चुकी है और जिनने प्रदेश के विकास को ही बेच दिया उनको सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को, राहुल को जिताएगी। सब साथ हैं। अरे हम सब साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का